तो हेलो आप सभी को, आई होप आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो बहुत लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि भैया आप क्या कर रहे हो, मतलब कहाँ से पैसे आ रहे हैं, सैलरी कहाँ से आ गई, क्या करते हो, मतलब कैसे करते हो, और क्या मतलब जैसे घर बैठे हो, घर बैठे बैठे पैसे आ रहे हैं, व्लॉगिंग भी कर रहे हो, पैसे भी आ रहे हैं, मतलब कैसे हो रहा है, यूट्यूब से पैसे आ रहे हैं क्या, मतलब कहाँ से। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नहीं, अभी तक यूट्यूब से कोई पैसा नहीं आ रहा है, आ रहा है बट वो ना के बराबर है, मतलब बहुत ही कम आता है, बिल्कुल ना के बराबर है, लगा लो 300-400 रुपये महीने का, मतलब इतना कम आ रहा है, तो वो निकाल भी नहीं सकते, मतलब कम से कम $100 होना चाहिए ना, अप्रोक्स 7400 या 7500 तक तो हम निकाल सकते हैं। तो यूट्यूब से कोई पैसा नहीं आ रहा है। तो सीन कुछ ऐसा था, हाँ मुझे करनी थी यूट्यूबिंग, ये मैं मेरे माइंड में क्लियर है कि मुझे यूट्यूबिंग करनी है, क्योंकि यूट्यूबिंग वो भी व्लॉगिंग इसलिए क्योंकि व्लॉगिंग मुझे सपोर्ट करती है अपनी ज़िंदगी को और बेहतर तरीके से जीने में। जैसे मान लो दिवाली आती है, मेरा सेलिब्रेट करने का मन नहीं भी है, तो व्लॉगिंग मेरे को पीछे से उंगली करती है कि नहीं अपने फेस्टिवल को अच्छे से सेलिब्रेट कर, इन्जॉय कर। व्लॉगिंग पीछे से मेरे को पुश करती है अपनी ज़िंदगी को और अच्छे से जीने के लिए। तो व्लॉगिंग तो मुझे करनी ही थी, तो बट व्लॉगिंग करने के साथ साथ कुछ तो पैसा होना चाहिए ना पास में खर्च करने के लिए, बार बार घर वालों से तो मांग नहीं सकते। तो व्लॉगिंग करते करते, यूट्यूबिंग करते करते एक चीज़ आ गई और वो थी एडिटिंग। तो एडिटिंग मैंने सीख ली, फ्रीलांसर्स, इंटर्नशाला, naukri.com, LinkedIn, इनके थ्रू जॉब्स मिल जाती है, मगर इतनी कोई ठीक जॉब नहीं मिली थी। मगर यूट्यूबिंग के लिए मुझे एडिटिंग सीखनी पड़ी, और फिर हुआ क्या कि मुझे एडिटिंग की ही जॉब मिल गई। तो मैं यूट्यूबिंग से मैंने एडिटिंग सीखी, और एडिटिंग से मुझे जॉब मिली जिससे मेरे पास पैसे आए, और उस पैसे को मैं यूट्यूब पे लगाऊंगा। मतलब देख रहे हो आप कितना, मतलब मस्त कॉन्ट्राडिक्शन सा हो गया, यूट्यूब से एडिटिंग आई, एडिटिंग से पैसे आए, और पैसे से यूट्यूबिंग पे जा रहा हूँ, मतलब एक लूप बन गया। मतलब हम कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ संसाधन जुड़ ही जाते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी है, काफ़ी बड़ी कंपनी है, और गेमिंग से रिलेटेड कंपनी, नाम तो नहीं बताता आपको बट गेमिंग से रिलेटेड कंपनी है, गेमिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ एडिटिंग, और एडिटिंग भी मुझे गेमिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड ही कुछ करना होता है। तो ये थी मेरी जॉब, ये था मेरा काम, और कैसे लगी मेरी, मतलब बस वही ये इंटर्नशाला लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई करता रहा, वहाँ से कुछ काम आता रहा, फिर धीरे धीरे करके मेरे फ्रेंड को पता लगा कि मैं ऐसे काम के लिए अप्लाई कर रहा, तो उसने अपनी कंपनी में रिकमेंड किया, फिर मेरा उन्होंने प्रोफाइल देखा, काम देखा, मेरी एडिटिंग स्किल्स देखी, मेरे यूट्यूब का चैनल देखा कि मैं वहाँ पर एडिटिंग करता हूँ, फिर मुझे जॉब मिली और मैं अभी कंपनी के लिए जॉब करता हूँ, अपनी यूट्यूबिंग कर रहा हूँ। तो ये मेरी सारी कहानी थी, और ये सारा मेरा सिस्टम था कि कैसे आई, जो मेरे से लोग पूछ रहे थे कैसे आई आपकी सैलरी, तो ये रहा आंसर, ऐसे आई मेरी सैलरी। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ, और लाइफ कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी है, मतलब हम कहाँ से चुनते हैं, किस गली को पकड़ते हैं, और कहाँ से घूम फिर के कहाँ पहुँच जाते हैं। और अभी कुछ दिनों से अपने पर खर्च कर रहा हूँ ना, तो और मज़ा आ रहा है, मतलब कि खुद सामान ले पा रहा हूँ, खुद रिचार्ज करा रहा हूँ, खुद चीज़ें कर रहा हूँ, घर वालों को भी चीज़ दिला रहा हूँ, निक्की को भी दिला दूंगा। तो फ्रीलांसिंग काम करने का ये मज़ा है कि कभी कभी ऐसे खुले में बैठ के कहीं भी बैठ के काम कर सकते हो, कभी गार्डन जगह काम कर लिया, घर में बैठ के काम कर लिया, रात को काम कर, कहीं भी कैसे भी मतलब काम कर सकते हैं। अभी देख लो मैं छत पे बैठ के काम कर रहा हूँ, मतलब मज़ा आता है। ये देखो यहाँ लैपटॉप रखा हुआ है, क्या मैं बैठा हुआ हूँ, और काम चल रहा है ना, इस चीज़ की एक मज़ा अलग है, मतलब कि फ्रीडम है, बट एक इन चीज़ों का एक फ्रीडम भी होता है, बट इन चीज़ों का खतरा भी होता है कि तुम्हें काम करना ही पड़ेगा। मतलब गवर्नमेंट जॉब की तरह तो होता नहीं है कि करो चाहे, मतलब कि होता नहीं है ना कि सैलरी आती रहेगी, इसमें तुम काम करोगे तो ही पैसे आएंगे, मतलब बीमार पड़ गए चीज़ें होगी तो उसके पैसे नहीं आएंगे, बीमार पड़ गए तुमने काम नहीं किया तो पैसे नहीं आएंगे, काम करोगे तो पैसा मिलेगा। वहाँ पर तो ऐसा होता नहीं, छुट्टी ले ली, बहुत बीमार होगी चीज़ें होगी तो मतलब सैलरी फिर भी आएगी, यहाँ ऐसा नहीं होता, तुम काम करोगे तो ही आएगा। और एक बहुत बड़ी चीज़ है कि मेरे पास एक कला आ गई है जिसके थ्रू मैं पैसे कमा सकता हूँ, मेरे पास एक स्किल है, और एक स्किल होना बहुत बड़ी बात होती है, और मैं चाहता हूँ कि हर इंसान के पास ऐसी कोई ना कोई स्किल तो होनी ही चाहिए, जिसके थ्रू वो पैसे कमा सके, कुछ खा सके, मतलब एट द एंड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ जाए, बहुत दिक्कतें आ जाएँ, तो कुछ कमा सके और खा सके। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये स्किल मेरी हेल्प कर सकेगी लाइफ के बहुत डिफिकल्ट फेजेज में भी हेल्प कर सकेगी। One eternity later. तो जब हम फ्रीलांसिंग करते हैं तो उसमें एक चीज़ होती है, एक फ्रीडम तो होता है कि हमें किसी के नीचे काम नहीं करना पड़ता, हम खुद काम कर रहे हैं, काम करके देते हैं, हमें पैसे मिल जाते हैं, मगर एक चीज़ होती है जो सबसे अलग होती है, हमें कोई बोलता नहीं है बट हमें खुद करना पड़ता है,
कोई बोले और काम करना वो आसान होता है, खुद अपने आप से सोच के खुद काम करना वो मुश्किल होता है, क्योंकि तुम्हें अपने मन को हमेशा बनाना पड़ेगा कि मुझे काम करना है, नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा और कोई कहने वाला तो है नहीं, तो ये बहुत मुश्किल होता है अपनी मर्जी से काम करना। दिखने में तो बहुत सब कुछ आसान सा लगता है, बट चीज़ आसान नहीं होती, मतलब मेहनत करनी पड़ती है। अभी मस्त सर दर्द हो रहा है, मैं काम करके देना पड़ेगा, तो अभी दवाई खाता हूँ, मतलब रात को, मतलब रात तक मस्त एकदम काम करेंगे 2 बजे तक, मजे से फिर मजे से सोएंगे, फिर सुबह उठ के मजे से एक्सरसाइज करेंगे, फिर दोबारा काम करेंगे मजे से। बबल सारे ना, इससे मेरा टेस्ट भी सही होता है, मीठा 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 दवा से मीठा मीठा टेस्ट होता है डिस्पेंसर का, दवाई खा खा के भी काम करना पड़ता है। अरे ये रहा मेरा ऑफिस, अब बैठ के काम करते हैं। तो अभी तो बज रहे हैं कितने, 20:15 यानी 8:15। तो मेरे हिसाब से मुझे काम करते 2 तो बज ही जाएंगे या 2-3, पता नहीं कितने बच जाएंगे। तो बहुत सारा काम है, महीना है ख़त्म होने वाला है, मुझे कुछ काम निपटाना है। तो दवाई खा ली है, सर दर्द थोड़ा ठीक लग रहा है। हर लड़का चाहता है कि उसे घर से पैसे ना मांगने पड़े, तो आप मैंने सी हंसते खेलते बता तो दिए, बट चीज़ें आसान नहीं थी, मतलब काफ़ी समय बाद कोशिश करते 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 फिर जाके ये जॉब मिली है। आप सभी को पता नहीं, वैसा लगता है मुझे, आप सभी को हमें देख के ऐसा लगता है हमारी फैमिली को कि पता नहीं हमारे पास कितना पैसा है, मतलब कुछ मेरे व्यूअर्स लोग मिलते भी है तो बोलते सर आप तो वेल टू डू फैमिली से हो, एकदम सब कुछ है आपके पास, बहुत सक्सेसफुल हैं। हमारी फैमिली की स्टोरी बहुत ट्रेजेडिक है, मतलब जो आपको दिखता है वैसा है नहीं, मतलब बहुत ट्रेजेडिक है, मतलब बहुत मेहनत से कर कुरा के यहाँ तक पहुँचे हैं, बस जो है हमारे पास यही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब ये घर बस यही है और कुछ है नहीं हमारे पास। पता नहीं लोग सोचते हैं कितना ज़्यादा पैसा कमाते हैं, ऐसा है नहीं, एकदम मतलब प्रॉपर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जिसके पास स्कूल की फीस भरने के बाद और खाने के बाद कोई पैसा नहीं बचता, सब खत्म हो जाता है। बस ये है कि अपने आप को फिट रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और सही से मतलब रहते हैं। यूट्यूबिंग करते हुए बहुत समय हो गया, मतलब काफ़ी समय हो गया, ये नहीं कि मैं सिर्फ यूट्यूबिंग करी, मैंने बहुत से बिजनेस किए हैं, यूट्यूबिंग कर रहा हूँ, बहुत सी चीज़ें करी, बहुत समय हो गया था कि कुछ पैसे नहीं आ रहे थे, तो अभी यूट्यूबिंग के अलावा कहीं और से पैसे आ रहे, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब घर वालों से पैसे तो नहीं मांगने पड़ते अब, बहुत अच्छी फीलिंग है ये, मतलब पैसे नहीं मांगने पड़ते हैं। और मैं जानता हूँ कि हर लड़का यही चाहता होगा कि उसे घर से पैसे ना मांगने पड़े, तो मुझे लगता है कि हमें कोशिश करते रहनी चाहिए, एक तो अपने सपनों को जीने के लिए कोशिश करते रहने चाहिए, और साथ में हमें कुछ ढूंढना चाहिए जो उन सपनों को जीने में हमारी मदद करे। हम ऐट द एंड अपने घर वालों को तो नहीं बोल सकते ना कि आपकी वजह से नहीं हुआ, आपकी वजह से मेरे सपने पूरे नहीं हुए, आपकी वजह से मैं ये नहीं कर पाया, आपकी वजह से मैं वो नहीं कर पाया। तो बस मेरा सपना है कि मुझे, सपना तो बहुत बड़ा है बट अभी उसका फर्स्ट स्टेज तो यही है कि मुझे यूट्यूब पर सक्सेसफुल होना है। तो उसके लिए हर चीज़ करने के लिए घर से तो पैसे नहीं मांग सकता कि पापा घूमने जाना है पैसे दे दो, पापा ये करना है पैसे दे दो, पापा वो करना है पैसे दे दो, मतलब एक टाइम के बाद आदमी को खुद शर्म आने लगती है पैसे मांगते हुए। तो कुछ ना कुछ ढूंढता रहता था कि कहीं से कुछ पैसे आ जाएं। तो अब मैं अपने यूट्यूब पे भी ध्यान दे सकता हूँ, साथ में कुछ पैसे भी आते रहेंगे तो खुद को ग्रो करने में अपनी खुद की हेल्प भी कर सकता हूँ, अच्छा भी लगेगा अपने सपनों को पूरा करते हुए, क्योंकि मन में एक प्रेशर नहीं होगा, एक बोझ नहीं होगा कि घर वालों से पैसे मांगने पड़ रहे हैं। हम मांग सकते हैं, मैं क्या ही बोल रहा हूँ, कहाँ ही मांग सकते हैं, उनके पास जितना होता है वो दे देते हैं। आपको जैसे बताया कि हम बहुत ही नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हमारे पास इतना कुछ है नहीं, बस खाते हैं पीते हैं, स्कूल की फीस भरते हैं, बस पैसा ख़त्म, कुछ नहीं बचता है बाद में, तो मांगो भी क्या ही मांगूं। कई लोग सोचेंगे भैया आपने ये तो बताया ही नहीं कि कितने पैसे आते हैं, तो आप जो फ्रीलांसिंग करते हो, एडिटिंग करते हो, तो चलिए आपको बता देता हूँ, तो मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, एडिटिंग करता हूँ, इससे मेरे पास 20+ आ जाते हैं। तो हाँ ये हो गया कि अपना खर्चा तो खुद उठा सकता हूँ, अपना खाना पीना, घूमने जाना, मूवीज देखना, तो कोई ये ना समझे कि हम बहुत पैसे वाले हैं। भाई हम सही में एकदम नॉर्मल, बिल्कुल प्रॉपर मिडिल क्लास फैमिली से हैं। तो देखते हैं यूट्यूब की जर्नी कितना समय लेगी और कितने समय में हम अपने इस यूट्यूब चैनल पे सक्सेसफुल होंगे। जितना भी समय लगे, कमर तो कस ली है, मैं तो हार मानने वाला हूँ नहीं, आज नहीं तो कल
हो ही जाऊंगा, वो कल कितने दिनों में आएगा ये नहीं पता, बट वो कल आएगा ज़रूर, और नहीं आएगा तो मैं उसे ले आऊँगा, नहीं आएगा तो साला खींच के लाना पड़े, दीवार तोड़ के आना पड़े, लेके आऊँगा। अब क्लियर है ये करना है तो बस ये करना है, हर तरीके से क्लियर हो, दिल से, दिमाग से, हर तरीके से क्लियर हो कि मुझे यही करना है, और इसके बाद भी क्या करना है वो भी क्लियर है। और कई लोग सोचते हैं ना, प्रॉपर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो इस प्रॉपर मिडिल क्लास फैमिली तक पहुंचने में भी हमें बहुत मेहनत लगी है। आज से कुछ साल पहले आप हमें देखते तो हम यहाँ पे नहीं, यहाँ तक भी नहीं थे। वो सब आपको अपनी लाइफ स्टोरी में बताऊँ कि हम यहाँ तक भी कैसे पहुँचे, हमारी फैमिली एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए, साथ देते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, बहुत मेहनत से आए हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत बोलिए बहुत पैसा आपके पास, बहुत अमीर हो आप, तो भैया नहीं है यार, समझो नहीं है, यहाँ ये प्रॉपर मिडिल क्लास तक बहुत मेहनत से पहुँचे हैं। पापा ने, मम्मी ने, मैंने, सब ने मेहनत करी है, हमारी पूरी फैमिली ने मेहनत करी है, और हम लोग बहुत ही बुरी सिचुएशन से निकल के यहाँ तक आए हैं। और मैं एक चीज़ मानता हूँ यार, जो अपना जिसको करना होता है ना, वो अपना सपने को कैसे ही पूरा कर ही लेता है। केट तो ड्रैगन बॉल जी एक कार्टून थी, उसकी एक लाइन थी कि अगर गेट नहीं होगा ना तो मैं दीवार तोड़ के आगे निकलूँगा, मगर मैं आगे ज़रूर निकलूँगा। तो मैं उस चीज़ को, मतलब वो चीज़ मेरे दिल में है, बसी हुई है वो बात कि साला अगर गेट नहीं भी होगा ना, रास्ता नहीं होगा ना, तो रास्ता बना लेंगे बट आगे बढ़ेंगे। कि जिसको करना होता है ना, वो बहाने नहीं मारते हैं, वो कर लेते हैं, कैसे भी करते हैं, पता नहीं क्या होता है कैसे करते हैं, बस वो कर लेते हैं, बहाने नहीं मारते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि पापा से पैसे नहीं मांगने पड़ते, खुद अपने आप अपने दम से अपनी चीज़ें कर सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है बहुत, ये भी एक छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है। और जब ऐसा होता है ना, उसका एहसास ही अलग होता है, मतलब एक इंसान के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, थोड़ा इंडिपेंडेंट होना है, एक अलग फील होता है, मतलब जब किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ता ना, वो एहसास ही अलग होता है। और काम भी ऐसा है जो मैं खुशी खुशी कर सकता हूँ, उसका मज़ा भी अलग होता है। और ये सब चीज़ें आसानी से भी नहीं होती है, ये सब चीज़ें सोच पाने में ही बहुत मेहनत लगती है कि मुझे ज़िंदगी से क्या चाहिए। तो मैं तो यही बोलूँगा, सबसे पहली चीज़ यार, समय लो। मैंने बहुत समय लिया है, उसके बाद जाके अपनी लाइफ को डिसाइड किया कि मुझे अपनी लाइफ में करना क्या है, क्या क्या करना है। मतलब ये सिर्फ यूट्यूबिंग नहीं करनी, मेरे को बहुत कुछ करना है, ये बस उसका पहला स्टेप है। और पहला स्टेप भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, देख रहे हो, पहले स्टेप को पूरा करने के लिए भी एक स्टेप क्लियर हुआ है कि एक फाइनेंशियली सपोर्ट बना लिया है थोड़ा सा अपना, कि इस पहले स्टेप को क्लियर करने में हेल्प हो सके। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं रात के 3-3 बजे तक उठा रहता हूँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मतलब काम होता है तो मतलब 1 बजे तक काम किया, फिर 1 घंटा सो गया, फिर 2 बजे उठ के फिर काम किया, फिर 1 घंटा सो गया, मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है। और चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं, कभी कभी लगता है चीज़ें कितनी मुश्किल है, मगर फिर कभी कभी लगता है मुश्किल है तभी तो मज़ा आएगा, ज़िंदगी मज़ेदार होनी चाहिए ना, आसान होगी तो मज़ा क्या। बिल्कुल बोलते ना कि एक मतलब कुछ चीज़ें हैं जो मेरी ज़िंदगी में हमेशा स्ट्राइक करके गई हैं, कि अगर सपने देखेंगे तारों तक के तो हो सकता है चांद तक भी पहुँच जाएँ, मगर अगर सपने सिर्फ बाजू वाली गली तक भी होंगे तो वहाँ तक भी पहुँच जाएंगे ना, तो ऐट द एंड दुख ही होगा। तो अगर तारे तक सोचा है तो चांद तक पहुँच जाएंगे ना, तो मज़ा आ जाएगा। मतलब सपने इतने बड़े हों कि ज़िंदगी चलती जाए उस सपनों को जीते हुए, सपनों को पूरा करने में ही, कितने बड़े सपने होने चाहिए मेरे को ऐसा लगता है। छोटे सपने होंगे ना, पूरे होने के बाद ही दुखी होगा, सोचेंगे पूरा होने का काश कुछ बड़ा देख लेते, कम से कम उन्हें पूरा करने में मज़ा तो आएगा और जीने में मज़ा तो आएगा। मैं सब मानता हूँ सपना अपनी औकात से बढ़ के ही देखना चाहिए। तो देखते हैं आगे लाइफ में क्या क्या रोमांच आने वाले हैं और क्या क्या होने वाला है। एक स्टेप तो क्लियर हुआ है, अब देखते हैं कितना आगे बढ़ते हैं। आपको अपनी लाइफ के किस्से बताऊंगा ना, आप सुन के हैरान रह जाएंगे, हैं हैं ऐसा भी किया है, ये भी किया है, ओ ऐसा भी है। ऐसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको अपनी कहानियाँ भी बताता जाऊंगा। बहुत सारी चीज़ें करी है मैंने भाई, बहुत सारी चीज़ें करी है। एक बार प्रॉपरली सेट हो जाऊँ ना, फिर आपको बताऊँगा ज़्यादा कहानियाँ। अभी घर वालों को भी जवाब देना पड़ता है, और अभी तो बहुत सारी कहानियाँ बनानी भी और बहुत सारी कहानियाँ जीनी भी है। आई विश, आई होप आप सभी मेरा साथ दें।
दो साथ हो चुके हैं और मुझे लग रहा है कि सुबह ही हो जाएगी आज तो काम करते हुए। ब्लॉग एडिट हो गया, बस रिकॉर्ड से डाल देता हूँ और सुबह अपने समय पे अपलोड हो जाएगा। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बिल्कुल भी ना भूलें, वी आर।